अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ अंडा कढ़ी, जिसके लिए मैं 4 अंडा ली हूँ। नमक, धनिया 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, एक मीडियम साइज का प्याज जो ऑमलेट कट कर ली हूँ, लहसुन अदरक 1 टीस्पून है, इसमें पानी है, एक मीडियम साइज का टमाटो जिसको मैं पेस्ट कर ली हूँ, 1/2 टीस्पून से भी कम खड़ा जीरा, 2 हरी इलायची। अब मैं सबसे पहले ऐसे करछुल ले लेंगे। अब सबसे पहले ये दाल वाला चम्मच ले लेंगे। अब मैं चूल्हे को जला ली हूँ। देखिए मैं इसमें थोड़ा ऑयल डाल दी, ऑयल गर्म हो गया। अब मैं अंडे को इसमें थोड़ा नमक डाल दे। देखिए ये एक तरफ से हो गया। अब मैं इसे पलटी कर लूंगी। देखिए ये हो गया, ऐसे ही सारा बना लेंगे। देखिए ये मैं अंडा ये बना ली। अब मैं ग्रेवी के लिए कढ़ाई रख के ऑयल ये गरम करने के लिए, अब अपने हिसाब से मैं 2 स्पून छोटे स्पून से मैं 2 स्पून ऑयल ली हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। देखिए ऑयल गरम हो गया। अब मैं इसमें जीरा, मैं इसमें प्याज ऐड कर लूँगी। प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें ये टमाटर अच्छे से 1-2 मिनट तक भून लेंगे। अब मैं इसमें ये मसाले खड़े सारे पाउडर मसाले डाल दिए, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें, अदरक लहसुन, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये मसाला भून गया। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालूँगी, आपको जितना डालना है आप डालें, मैं 1 कप डाल रही हूँ। देखिए ये बॉयल हो रहा है पानी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए अब मैं इसे ढक के 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही पका लूँगी। देखिए ये हो गया, मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ।